ဒီတော့ပြင်ရတဲ့အစ်နာမျိုးတွေလုပ်ရတယ် जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा मैंने आप लोगों को ये कबूतर तो दिखाए ही थे आज मैं आप लोगों को एक और मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ वैसे उससे पहले आप लोग मुझे बता दो कि घर में ये सारी चीज़ें रखने का शौक़ किस किस को है हमें तो बहुत ज़्यादा है मतलब सभी को ही अच्छा यहाँ है हमारी क्यूट सी बकरी जो कि अभी न्यू आई है और ये है जी जैन की बकरी इसका नाम फिलहाल हमने नहीं सोचा बाकी ये वाली जो है इसका नाम है जी उर्मिला उर्मिला खाना खा रही थी तो मुझे अभी भूख लग गया और मैंने कहा चलो मैं भी जल्दी से ना खाना खा लेती हूँ तो सर पे मैंने बनाया था अपने लिए अंडा और साथ में रखी थी मैंने दही अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद ना दही खाई है क्योंकि इतने टाइम से मैं दही वग़ैरह नहीं खा रही थी क्योंकि भाई एक चीज़ तो परमानेंट होती है वह चाय और अक्सर ना मैं चाय के साथ ही खा लेती हूँ लेकिन फिर सोचती हूँ ये ना हेल्दी नहीं होता कुछ ना कुछ साथ में और लेना चाहिए दही अंडा या कोई और चीज़ सो so, आज ना इतने टाइम के बाद मैंने दही ली थी ये पार्सल ना काफी टाइम से रखे हुए थे और मैं सोच रही थी कि बस इनकी वीडियो मैं बना लूंगी बना लूंगी और आज मैंने फाइनली सोचा कि इनकी वीडियो बनाते अच्छा इनमें से कुछ तो ओपन किए थे हमने क्योंकि फिर ये चेकआउट करना होता है कि हमें रिटर्न करना है या नहीं दराज का पार्सल तो रिटर्न हो जाता है अच्छा यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ पे कुछ स्किन केयर कि आई थिंक प्रोडक्ट थे और इन्हीं में से पार्सल में से ना सिर्फ यही वाला था जो कि ओपन नहीं हुआ हुआ था तो मैंने इसको ओपन किया मुझे शक था कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्योंकि जब से ये पार्सल रूम में मैंने रखा था इतनी ज़्यादा खुशबू फैल गई थी रूम में जो कि इसी की ही स्मेल थी मुझे पता चल गया था और अब आप लोग देख सकते हो कि इसमें से ना ऑयल जो था इसका काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा था अब देख लो वैसे ये ऑयल नहीं मंगाया था हम लोगों ने बॉडी स्क्रब और बॉडी शाइनर टाइप कुछ मंगाया था और उसका आप लोग देखोगे क्या हाल हो गया है बाकी ये पार्सल की जो पैकेजिंग थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें भेजने वाले की गलती है या शायद उन्हें खुद भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है या नहीं ओवरऑल इसके ऊपर बहुत सारा बबल रैप था और ये सारा बबल रैप अब फुल ऑन ऑयल के अंदर भीग गया था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको ओपन कैसे करूँ क्योंकि कैंची भी फिसल रही थी और मेरे हाथों से ये पार्सल भी जो था ना ये फिसलता जा रहा था और अभी तक मुझे डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ ना डैमेज ना हो क्योंकि इसका ऑयल तो बहुत सारा काफ़ी बाहर आ गया था और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको ओपन किस तरीके से करूं और शुक्र है कि हम लोगों ने इसकी वीडियो बना के ओपन किया था क्योंकि जब हम नॉर्मल घर पे ओपन करे होते हैं तो मोस्टली लोग हम ना इसको ओपन ऐसे ही कर लेते हैं वीडियो नहीं बनाते और बाद में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें ही इल्ज़ाम देते हैं कि नहीं आप लोगों से ख़राब हो चुका है वरना आप लोग वीडियो भेज देते तो यहाँ पर हम लोगों की शुक्र है ना वीडियो वगैरह थी बन गई थी वैसे कोई भी ऑनलाइन चीज़ अगर आप परचेज़ करें सो उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए वीडियो बना लिया करें वो काफ़ी अच्छा रह जाता है क्योंकि अगर आपको गलत चीज़ रिसीव हुई है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग ये भेज सकते हो वैसे आजकल ऑनलाइन चीज़ें ख़राब हमें नहीं मिलती स्कैम बहुत कम होते हैं क्योंकि अभी ऑनलाइन स्टोर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई आपको धोखा नहीं दे सकता आपको मिल जाते हैं रिव्यूज़ वगैरह भी और आप अपने फ्रेंड्स से भी सजेशन ले सकते हो कि किस पेज से हम लोग बाय करें कहाँ से हमें ऑथेंटिक चीज़ मिल जाएगी सो so, जो टूटा हुआ था वो ऊपर वाला था और साथ में यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी वाला था और अब इसको देखने में ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या देख रही हूँ फ़िलहाल मैं ये नोट कर रही थी कि किसके ऊपर कितना ज़्यादा ऑयल लग चुका है और अब मैं सोच रही थी कि चलो इस सारी चीज़ को हटाते अपने हाथ भी धोते हैं क्योंकि वरना इस ऑयल की वजह से ना सारा कुछ गंदा हो जाना है बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल फैल गया था पूरा ये सारी चीज़ें मेरे हाथ से गिर रही थी सो so, ये था हमारा स्क्रब जो हमें टूटा हुआ रिसीव हुआ था इसका ढक्कन मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी देखो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से पैकेजिंग थी सो so, इसको मैंने चेकआउट किया फिर अभी मेरा चेक करने का भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि फुल ऑन अभी भी मेरे सारे हाथों पर ऑयल फैला हुआ था नीचे डेस्क पे ऑयल लग गया था सारा कुछ जो है ना एकदम से ख़राब हो गया था तो मैंने इसको रख दिया था मैंने कहा इसको बाद में ही हम लोग चेक करेंगे कि कैसा है और कैसा नहीं है वैसे भी रिव्यू तो तभी दिए जा सकते हैं जबकि हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे अच्छा इसके बाद मैंने ना मंगाई थी ये शर्ट सो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आप लोगों को ये किस तरीके से दिखाऊँ क्योंकि ये अनस्टिच्ड थी और ये प्रिंटेड शर्ट थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और अब मुझे ये था कि इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा सा आ जाए ये ना ग्रे कलर और पिंक कलर में है और ये जो पिंक कलर है ना ये कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा ना अजीब सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लेकिन ये कलर ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा सा कलर था अच्छा इसके ऊपर ना गला या दामन वाला डिज़ाइन नहीं था फ्लोरल प्रिंट थे जो कि एक हमारे गले के साइड पर आएगा और दूसरा ना दामन की ना एक साइड पर आएगा बाय द वे जब ये सिल जाएगी ना तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी कि इसका प्रिंट किस तरीके से है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो मॉडल ने पहना हुआ है वो दिखा देती हूँ सो ये कुछ इस तरीके की शर्ट थी अच्छा ये सिर्फ वन पीस था शर्ट आई थी और इसका स्टफ़ बहुत मज़े का था मैंने ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया है लाइम लाइट और मुझे लग रहा था कि अगर ये ख़राब आ गया ना तो बस मेरा दिल टूट जाएगा क्योंकि इसका कलर काफ़ी प्यारा सा था और भी ये उम्मीद थी कि ना इसका स्टफ़ अच्छा सा आ जाए और इसका स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा था अच्छा ये शर्ट ना सैल में पड़ी थी थाउजेंड की फिर इसकी डिलीवरी वगैरह के साथ ना 1150 की जाके पड़ी थी क्योंकि हमने एक शर्ट मंगाई थी अगर आप दो या तीन शर्ट्स मंगाते हो सो आपको डिलीवरी वाले पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे और इजीली आपको शर्ट ना थाउजेंड तक में रिसीव हो जाएगी और ये काफ़ी अच्छी थी अगर आपको अब भी जाकर लाइम लाइट से मिल जाती है ये शर्ट्स तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो इसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है और इसका स्टफ तो बहुत ज़्यादा मज़े का है डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा मज़े का है साथ ही आपको ब्लू फ्लावर्स में भी ये मिल जाएगी अच्छा यहाँ पे शूज़ थे जो कि डब्बा किसी और शूज़ का है उसके अंदर रखे हुए हैं क्योंकि ये दराज से ऑर्डर किए थे और इन शूज़ को हम लोगों चेक करना था सो हमने इसको ओपन पहले ही कर लिया था पार्सल को क्योंकि शूज़ का अगर साइज़ सही नहीं आता सो हम लोग ताकि उसको रिटर्न कर सकते लेकिन शुक्र है कि इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा आया था और जोगर जो चीज़ है ना ये बड़ी मज़े की चीज़ है ये ना हर किसी के पास होनी चाहिए चाहे आप कॉलेज जाते हो चाहे आप स्कूल जाते हो या वैसे आप घर में भी रहते हो ना तो आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये ना एक तरीके से बड़ी ही इंपॉर्टेंट शूज़ होती है अच्छा एंड में दोबारा से मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि ये हैं कैसे सो आप लोग यहाँ पे चेक आउट कर लो ये है जी स्ट्रॉबेरी वाला जो कि है बॉडी स्क्रब और ये है जी ब्राउनी वाला जो कि है बॉडी पॉलिश फिलहाल इसका रिव्यू नहीं दे सकती जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था उन्होंने बोला था काफ़ी अच्छा है मैं खुद यूज़ करूँगी तो आप लोगों को मैं बता दूंगी कि ये कैसा है फिलहाल तो ये मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऑयली है क्योंकि इससे उठाने से मेरे हाथ पर ना दोबारा दोबारा ऑयल लगा जा रहा था अच्छा जी अगर आप लोगों को कभी ऐसा पार्सल रिसीव हो तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना सेलर पे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि इसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से रैप किया था फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो गया क्योंकि ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं उसका कोई ना कोई कभी कभी आपको नुकसान हो जाता है अच्छा वैसे तो मैंने सिर्फ काम किया था इनको अनबॉक्स करने का लेकिन मैं मुझे लग ऐसे रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मेरा टाइम ही यही होता है कि जिस टाइम पर मुझे फील होता है कि मैं थक गई हूँ और टाइम से ना बंदे को वो होने लग जाता है कि बिना रीज़न के भी वो चीज़ें फ़ील होती हैं सो यहाँ पे मैंने राइस खाए थे अच्छा एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी मेरी स्किन को हो गया पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम इतने छोटे छोटे से दाने हो गए और ये इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ वैसे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है मैं अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं यूज़ करती पाकिस्तान के हर घर में हर कोई अपनी स्किन पर फेयर एंड लवली यूज़ करता है पर मैं वो भी नहीं यूज़ करती क्योंकि इस स्किन पे ना कुछ भी सूट नहीं करता मैं कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी कभी करूँ बहुत कम ही करती हूँ लेकिन अब समझ नहीं आ रहा ना तो मैंने कोई और चीज़ यूज़ किया ना ही कुछ और किया या तो फिर मैंने जंक की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं खाया नॉर्मली मैं इससे भी ज़्यादा खाती रहती हूँ उल्टा सीधा वैसे अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा मसला होता है सो तो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो ये है जी अफशानूर की मुल्तानी मिट्टी और ये काफ़ी मज़े की है अगर आपकी स्किन ऑयली है सो तो आप इसके अंदर सिर्फ डाल लेना अर्के गुलाब अदरवाइज़ आप लोग दूध से भी इसको मतलब बनाकर इसका मास्क अपने फेस पे लगा सकते हो इसके अंदर एक मज़े का कूलिंग इफेक्ट होता है जो कि अगर आप गर्मियों में यूज़ करोगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आ जाएगा और स्किन इसके बाद काफ़ी क्लियर हो जाती है और नॉर्मली मेरी एक्मी जो है ना इसे बिल्कुल क्लियर हो जाती है काफ़ी लोग इसे ब्रश से लगाते हैं लेकिन मैं इसे हैंड हाथ से लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे बस ना ईजीली अप्लाई हो जाता है मुझे ब्रश से अप्लाई करना अभी तक नहीं आया क्योंकि उससे आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रश में ही रह जाता है निकलता ही नहीं है इसे लगाते हुए मैं यही दुआ करी थी कि ये मेरी स्किन के लिए वर्क कर जाए और मेरी स्किन जो है पहले जैसी हो जाए अच्छा फिर हमने खाना बनाया था खाना बनाते वक्त मैंने ज़्यादा कोई शूट वगैरह नहीं किया था मैंने सोचा था चलो बहुत छूट हो गया आज के लिए बस झटपट से खाना बनाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं क्योंकि रेस्ट करने का मुझे शौक बहुत ज़्यादा है लाज हमारे लिए पकौड़े बनाकर लाई थी पहले भी लाज ने हमें खिलाए थे सो हमने सोचा कि आज भी हमें लाज के हाथ के पकोड़े खाने चाहिए अनियन रिंग्स खाए थे और साथ में हमने खाए थे आलू के पकोड़े बड़ा ही मजा आया था फिर हमने पी थी चाय और ये ना केक था ब्रेक टाइम वाला ये बड़ा ही मजे का है और काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता चला है कि कोई ये केक ऐसा है जिसको मैं खा सकती हूँ चाय के साथ में बड़ा मज़ा आएगा सो हमने इस चाय को ना इन्जॉय किया था अपनी ब्रेक टाइम वाले केक के साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक करना है कमेंट जरूर करना है ओके जी ओके बाय